हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको आलू और बेसन से बनी एक बहुत ही चटपटी और आसान नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ। बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाता है, बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं इसे बनाने में। साथ ही मैंने इस नाश्ते में बहुत ही लेस ऑयल का यूज़ किया है, बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है ये नाश्ता। तो चलिए गाइस, बहुत ही चटपटे, टेस्टी और हेल्दी से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ली हैं जो घरों में हमेशा रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके, साथ ही ले लिया है मैंने 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच जितना फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, आप इसकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, आलू को मैंने मैश कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नहीं तो तीखा काफ़ी ज़्यादा हो जाता, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे चाट मसाला, चाट मसाला इसे एक चटपटा सा फ्लेवर देगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू में हमने सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। ये तो हो चुका है तैयार, इसे साइड में रख देते हैं। अब आगे की तैयारी में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन में सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून हींग, साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह पे लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते। और साथ ही ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। सबसे पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, तो इसे काफ़ी ज़्यादा हम फैट भी लेंगे। तो इसे मैंने खूब ज़्यादा फैट दिया है ताकि बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं गाइस। तो इस तरह का बैटर आपको रेडी कर लेना है। तो अब अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक तवे को रख देंगे गैस पे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे जो हमने स्टफिंग बना के रखी है आलू की। तो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट उठाएंगे और हाथों में इस तरह से गोलाकार दे देंगे। इसके बाद हाथों के बीच दबाते हुए इसे टिक्की का आकार दे देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पतली होनी चाहिए। देख सकते हैं गाइस, टिक्की मैंने बना ली है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सभी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेंगे। सो गाइस, मैंने सभी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा हमारा मीडियम हॉट हो चुका है, अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग आधा चम्मच जितना।
तेल भी हो चुका है गर्म। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे बेसन का चम्मच से, तो 2 चम्मच जितना बैटर डालेंगे। और जैसे चीले को फैलाते हैं ठीक वैसे ही इसे भी फैला लेंगे। ये छोटा चीला हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो इसे मैंने फैला लिया है, थोड़ी देर तक इसे पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा पक गया है। इसमें अब हम टिक्की प्लेस कर देंगे। तो टिक्की को ऊपर से रख देंगे बीचों बीच, और ऊपर से और भी बैटर डालते हुए इसे ढक देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है ऊपर से भी बैटर डालते हुए अच्छे से। ये नाश्ता बिल्कुल सैंडविच स्टाइल में तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्ता। थोड़ी देर पकने देंगे फिर इसे पलट देंगे। तो हमने इसे पलट दिया है। अब बिल्कुल 1 से 2 बूंद जितना तेल हम इसमें डाल देंगे इसके किनारों पर। ये ऐसे भी बहुत ईजिली पक जाता है, आप इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी तेल आप यूज नहीं करेंगे तभी भी ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा दबाते हुए इसे पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा अंदर तक पककर। तो ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे निकाल कर एक प्लेट पे रखते जाएंगे। तो जितना आपको जिस टाइम पे बनाना हो आप उतना बना सकते हैं, बाकी का बैटर और स्टफिंग आप रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए फ्रिज में। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने 2 सैंडविचेस इसके तैयार कर लिए हैं। आपको मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, बहुत इजीली ये कट हो गया। आप देख सकते हैं इसकी बीच की स्टफिंग बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। ये बहुत ही कम ऑयल में बना नाश्ता है ये, और इसमें जालियां सी बनी आप देख रहे हैं जो कि फेंटने की वजह से हुआ है बेसन को। तो अच्छे से बैटर को फेंटना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे बनेंगे ये गाइस। ये हेल्दी सा नाश्ता देखकर मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, तो मैं इसे खाने जा रही हूँ टमाटो केचप के साथ। वाह गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये, जरूर ट्राई करें इस नाश्ते को। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल कुक विद सोफिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।